निभाएंगे अक्षय इस फिल्म में। किस फिल्म से अक्षय को खिलाड़ी का टैग मिला? बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने कई सारे जॉनर वाली फिल्म्स की है एंड कई सारे डिफरेंट रोल्स भी निभाए हैं। अक्षय कुमार की डेब्यू फिल्म सौगन थी और ये खिलाड़ी कुमार 1992 की खिलाड़ी फिल्म से काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं और उसके बाद खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। और अब हमें अक्षय कुमार अपने खिलाड़ी स्टंट्स के साथ इम्प्रेस करते हुए धूम 4 में दिखने वाले हैं। धूम की फ्रेंचाइजी काफी फेमस रह चुकी है इतने सालों में और हर बार कुछ अलग धमाका देखने मिलता है। इस बार की धूम 4 में भी जबरदस्त एक्शन देने का दावा कर रही है। तो दोस्तों, बॉलीकास्ट स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म धूम 4 के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अक्षय की हर एक खिलाड़ी वाली मूवी बहुत ही जबरदस्त थी एंड काफी ज्यादा हिट सीक्वेंस थी। अक्षय कुमार मेनली हमें कॉमेडी एक्शन फिल्म्स में दिखाई देते हैं एंड उनका एक डिफरेंट पैटर्न है मूवीज करने का, वो है वो ट्रू स्टोरी या पेट्रियोटिक या फिर टेररिज्म वाली मूवीज ज्यादा करते हैं, जैसे हॉलीडे, बेबी, बेल बॉटम और सूर्यवंशी, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है। एंड अक्षय कुमार को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड ही रहते हैं हमेशा। उनकी हर एक फिल्म में एक सोशल मैसेज तो जुड़ा हुआ रहता ही है, चाहे वो एक्शन हो या कॉमेडी हो या टेररिज्म वाली फिल्म हो। इस फिल्म में अक्षय कुमार शायद थोड़ा डिफरेंट रोल निभाते हुए दिखेंगे हमें। हर बार की धूम की सीरीज में एक बेसिक प्लॉट यही है कि लीड एक्टर एक चोर के रूप में बताया जाता है एंड अभिषेक एंड उदय की जोड़ी जो एक पुलिस ऑफिसर के रूप में बताई जाती है, तो इस बार हमें अक्षय कुमार भी यही चोर का किरदार निभाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि धूम सीरीज का ये एक पैटर्न रह चुका है इतने सालों से। फैंस को इस बार अक्षय का नया रोल दिखने मिलेगा, क्योंकि जो हर मूवीज में रोल निभाते हैं उसका एकदम अपोजिट रोल होने वाला है इस फिल्म में। बट सबको भरोसा है कि अक्षय ये रोल बखूबी से निभाएंगे और क्या क्या सरप्राइजेस रहेंगे और क्या क्या होने वाला है इस फिल्म में और अक्षय का रोल कैसा होगा, ये जानने के लिए आप देखते रहिए बॉलीकास्ट स्टूडियोज। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताए, लाइक एंड शेयर भी करे और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।